जंतर मंत्र पर बैठे हुए हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन दे दिया, एकदम झूठ बोल रहे हैं। हमें सड़कों पर बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें बहुत शर्म आती है सड़कों पर बैठने के लिए, लेकिन जब तक हमारी विधवा बहनों को उनका हक नहीं मिल जाता, कितना भी समय लगे, 2 साल हो चुके और जितना भी हमें यहाँ बैठना पड़े, बिना अपना हक लिए हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। और प्रधान वन रैंक वन पेंशन का मतलब है, अगर एक सिपाही रैंक से 17 साल नौकरी करके आज रिटायर होता है, सेम रैंक वालों को सेम साल जितने साल नौकरी की उनको आज से पहले जितने भी रिटायर हैं बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। और जैसा कि अभी आपने इस पेपर में देखा 4,296 रुपए कम मिल रहे हैं, तो अगर एक सिपाही 4,296 रुपए कम ले रहा है हर महीने, तो वो वन रैंक वन पेंशन कहाँ हुआ? सरकार बेवकूफ बना रही है। और सरकार कहती है कि 5 साल में पेंशन रिव्यू करेंगे, अगर 5 साल में रिव्यू करेंगे तो जैसे आज एक रिटायर होकर आया, अगले साल रिटायर होगा उसकी पेंशन और ज्यादा होगी, तीसरे साल वाले की और ज्यादा, 5 साल होते होते ये जो सीनियर है अपने जूनियर से कम पेंशन लेना शुरू कर देगा, और धारा 14 के तहत अपने जूनियर से कम पेंशन या कम तनख्वाह नहीं ले सकता। तो मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मीडिया को दूसरी बात, ये लोकतंत्र नहीं है, मोदी सरकार में सिर्फ तानाशाही है। हम लोग यहाँ भूखे पैसे बैठे हुए हैं, हमारा 2 साल से रेलवे हंगर स्ट्राइक चल रहा है, हम सुबह चाय पी के यहाँ बैठते हैं, शाम को 4 बजे के बाद हम चाय पीते हैं, रात को घर जाके हम खाना खाते हैं, सिर्फ अपनी विधवा बहनों के हक के लिए, क्योंकि एक विधवा बहन की सिर्फ 3,500 बेसिक पेंशन है। और दूसरा हमारे रिजर्विस्ट भाई वो है जिन्होंने तीनों लड़ाइयाँ लड़ी, 62, 65 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद फौज से उनको निकाल दिया गया। अभी कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है नहीं और इनका खर्चा फौज नहीं उठा सकती, तो करीब 1,80,000 के करीब फौजियों को निकाल दिया, वो घर नहीं आना चाहते थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया। और आज की तारीख में वो रिजर्विस्ट भाई सिर्फ 3,500 बेसिक पेंशन ले रहे हैं, कितने दुख की बात है, देश के लिए 3-3 लड़ाइयां लड़ी और आज सिर्फ 3,500 में कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करती हूँ, कम से कम जो रिजर्विस्ट हैं उनको एक सिपाही रैंक के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्योंकि तीनों सेनाओं के हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने कभी हमारे से मिले, कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ लोगों को कहते कि सेनाओं का सम्मान करें, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेनाओं का सम्मान का अगर करवाना है तो शुरुआत आप खुद कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हम 2 साल से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने वादा किया था सैनिकों को हरियाणा में रेवाड़ी की रैली में कि अगर हमारी सरकार 2014 में आती है 100 दिन के अंदर मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा। फौजियों ने अपना वादा पूरा किया, पूरे भारत में घर घर जाके हमने बताया कि बीजेपी को वोट देना है। इनकी जैसे इनकी सरकार आई, इन्होंने हमारे से बात करना बंद कर दिया। और जब एक दिन हमारे जनरल सतवीर और उनकी टीम मिलने गई जेटली से, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? हमने पूछा कि आपने 100 दिन का वादा किया था, पेंशन क्यों नहीं दे रहे? अरुण जेटली बोलते, जनरल साहब हम नेता जो इलेक्शन से पहले वादा करते हैं वो सब पूरे करने के थोड़ी होते हैं, इतनी शर्म की बात है, इतने बड़े नेता होके वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा,